तुम्हारा साइज, साइज क्या होना चाहिए? एक छोटू सा साइज, एक बड़ा सा साइज। कौन वाटर मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा बताओ? सेम पॉजिटिव चार्ज है, तो छोटू अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ, छोटे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो कौन वाटर मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, छोटू या बड़ा? छोटू। छोटा छोटू छोटू हाँ, तो छोटू भाई साहब अपने वाटर मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे, बड़े के पास अट्रैक्शन कम होगा। तो दैट मीन्स हाइड्रेशन जो है इज अ फंक्शन ऑफ चार्ज टू साइज रेशियो, राइट? यस सर। वो क्वेश्चन क्या था जिसमें चार्ज और साइज था बताओ? मेरे लाल पीलो हरे येलो बोलोगे, हाँ ये सर पूछा सर था? वो चूज द करेक्ट ऑर्डर था हाँ उसमें Be2+ इज लेस देन Li+ फिर लेस देन Na+ लेस देन K+ Li+ लेस देन Na+ लेस देन K+, ठीक है? हाँ, मोबिलिटी ऑफ आयन इन तो एक्वस ये सॉल्यूशन। मोबिलिटी सही है कि गलत है? यहाँ पे तो सर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, राइट? सही है और बेरिलियम जो है वो लिथियम से छोटा होता है, करेक्ट? यस हाँ, तो अगर नहीं टू प्लस लिथियम से बहुत छोटा होगा तो हाँ अट्रैक्शन सर यहाँ पे क्या हो जाएगा वाटर का, बढ़ जाएगा और यहाँ थोड़ा सा, कम यहाँ पे साइज बढ़ और गया कम। और यहाँ पे तो और कम। तो मोबिलिटी सही है ना, ऑर्डर सही है ना, नीचे जाने पे चार्ज टू साइज हाँ रेशियो कम हो रहा है, तो अट्रैक्शन कम होगा और मोबिलिटी बढ़ेगा, राइट? नहीं सर उल्टा गलत हुआ ना Be+ का मोबिलिटी अबे हाइड्रेशन ज्यादा हो, सॉरी सर हाइड्रेशन हमने देखा हाइड्रेशन है ज्यादा हो तो मोबिलिटी क्या होगा? बस कम होगा बात खत्म हो गई ना, राइट? सर। वो जो पिछले क्लास में रेजोनेंस एनर्जी के नोट्स थे वो एक बार देखा। पिछली क्लास में जो रेजोनेंस एनर्जी के नोट्स थे वो देखने, तुमको मतलब नहीं मानोगे बिना देखे हुए, राइट? किरचॉफ लॉ किया हम लोगों ने, उसके बाद उससे पहले किया था ना रेजोनेंस एनर्जी, तो आई गेस बॉम कैलोरीमीटर किया, क्या सर आप एक बार ये पोस्ट कर सकते हो ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो ये नोट्स। मैं ना एक काम करूंगा, जैसे ही चैप्टर खत्म हो गया ना, जितने भी नोट्स है ना इसके अंदर थर्मो के, तो पूरा पोस्ट कर दूंगा इकट्ठे, मतलब आज मैं सारे शुरू से लेके लास्ट तक पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है सर थैंक यू सर ठीक है सर कोई बात नहीं, गीता मैम ट्रांसफर कर देंगी सबको नोट्स, ठीक है? ये रेजोनेंस एनर्जी किया था हम लोगों ने, ग्राफ किए थे, याद हाँ सर है? आज वीडियो ऑन रखोगे? हाँ, तुम भी वीडियो ऑन रखना आज, टुडे इज वीडियो ऑन डे। ओके गाइस, मैनेज गेम राइट नाउ, सो शैल वी स्टार्ट सॉल्यूशंस ऑफ थर्मो केमिस्ट्री, राइट? नाउ वी विल स्टार्ट थर्मो केमिस्ट्री सॉल्विंग पार्ट, राइट? कौन है ये? सो इन द एंड कैन यू जस्ट मेक अस राइट ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ द चैप्टर वंस? हर्ष ब्रदर, व्हाट आई डिड, आई हैव टेकन अ डाउट क्लास टुडे, इन द डाउट क्लास नो व्हाट आई डिड, आई हैव डन द सेम थिंग इन अ वेरी प्रिसाइज वे, तो आई विल जस्ट ट्रांसफर यू दैट वीडियो ऑल्सो, ठीक है? आई हैव जस्ट रिकॉर्डेड द लेक्चर, कूल नो? या आई विल सेंड यू दैट, इट्स ओके, आई विल सेंड यू, नॉट अ बिग डील, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू आर मिसिंग दिस सेशन, नो डाउट सॉल्विंग सेशन, एंड डू यू नो वॉट, हाँ आई विल डू वन थिंग, आई विल सेंड दैट थिंग इन होमवर्क ग्रुप, डू यू नो वॉट, इन एवरी डाउट सेशन वट एवर आई विल हैव पर वीक, आई विल डू वन थिंग, आई विल टेक अ स्मॉल टॉपिक
I'll take previous year questions from that topic. I'll discuss all those questions with the extensive revision and how to approach that, how to apply that formula in those questions. So the person who is not attending it, right, will be in loss that time, right? सोचना अगली बार से ना यही होगा डाउट क्लासेस के अंदर. आई विल मेक इट क्वाइट सिस्टमैटिक नाउ. ओके लेट मी ओपन अ बुक. आज मेरा घर यस यस ट्रू. ओके गाइस दिस इज द लास्ट ईयर जेई बुक. डिग्री सबको यस यस सबको राइट. चलो वील डू वन थिंग. वील स्टार्ट द थर्मो केमिस्ट्री पार्ट. आई गेस आई हैव गिवन यू दिस बुक राइट. यस सर आपने वो खार घर के सेंटर पे नहीं डाली थी. मैं डाल देता हूँ मल्लू बहुत सर वो 41 इयर्स वाले ना. हाँ हाँ गिव मी अ मिनट राइट. हेलो सर आप म्यूट हो. हाँ जी अरिहंत अरिहंत अरहंत नहीं अरिहंत. सी व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम जस्ट ओपनिंग अप दोज थिंग्स व्हिच यू हैव टू सॉल्व इन थर्मोकेमिस्ट्री. दिस इज थर्मोडायनेमिक्स पार्ट. ठीक है दिस थर्मोकेमिस्ट्री. Can you see that topic to thermochemistry? Yes. Okay. Now, in thermochemistry, I don't have much to solve. We have around, let's say, 2019-10-12 questions, objective question 2, that is this much, 14, subjective 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32. Yeah, that is 34 questions. So target is we have to finish all those 34 questions in this class, right? Okay, sir. Yeah. So question solve karte hain, bahut ho gaya, right? Okay. Okay, question number 1. Can you see that question, guys? Dekh rahe question sabko? And the student who are attending today class, they will be like very in a very nice profit time. They will understand what all questions have came in JEE Mains in advance and they can solve it nicely. And they will understand how to approach it. Okay. Now guys, question number 1, read it nicely, fast. And you have to solve it very fast. Enthalpy of sublimation of iodine is 24 calorie per gram. That, what does it mean? That per gram of iodine solid, I have to give 24 calories such that all the iodine solid will convert into iodine vapors, right? Yes. Yeah. So I have to give around 24 calories to it. Now at 200 degrees Celsius, the temperature is given to us as 200 degrees Celsius. Now specific heat of iodine solid and iodine vapor are, see the units, iodine vapor, iodine solid. Iodine solid, iodine vapor. Specific heat is given to me as 0.055 calories per gram per Kelvin, and iodine vapor is given to me as 0.031
कैलोरीज पर ग्राम पर कैल्विन, ठीक है. नाउ देन द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन एट 250 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, राइट. यू हैव टू कैलकुलेट आयोडीन सॉलिड टू आयोडीन वेपर at what degree Celsius? At agreed? Yes, sir. Yes. Tell me one thing. Understand it nicely. Okay, let's say this is iodine solid at 250 degrees Celsius and this is iodine gas at 250 degrees Celsius, right? Sir, 200. 250. I have to find okay. out that delta H, overall energy change here, right? And they have specified that one mole of iodine solid when it is converting in per gram, sorry, 1 gram of iodine solid when it is converting into iodine gas, I have to give how much amount of energy to it? 24 calories. At what temperature? 200 degrees. And at what temperature he wants me to calculate it? 250. And that too in calorie per gram. That means I have to do everything with per gram, right? Yes. Tell me the approach. How to do it? Acha, one more thing. What is specific heat? Just check the unit. 0.055 calories per gram per Kelvin. What does it mean? Per gram of iodine solid, if I'm increasing the temperature by 1 Kelvin, I have to give how much amount of energy? 0.055 Very calories. Good. Per gram, right? Per Kelvin. Yaar, ek baat batao. Shall I write down this overall process as iodine solid from 250 degrees Celsius to iodine solid at nearly what degree Celsius? 200 degrees Celsius, right? Iodine solid at 200 degrees Celsius become iodine gas at 200 degrees Celsius. And then from iodine gas 200 degrees Celsius to iodine gas at 250 degrees Celsius. Any doubt on that? Sir, आपने ये reaction ऐसे क्यों लिखी? Tell me, if I know that energy change, enthalpy change is a state function, so if I'm dividing into this part, so let's say this is the overall delta H which I want to calculate. So delta H will be equal to delta H1 plus delta H2 plus delta H3, right? Yes, sir. And yes, sir. Already given to me. How much? 24 calories per gram. 24, correct? Yes. Now, I want to calculate this energy. I want to calculate this energy. If I'm adding all these three energy, I'll get this delta H. Hess law. And why I am using temperature change, because this buffoon has given me energy change per gram per Kelvin. So for solid to change the temperature by 1 Kelvin per gram, how much amount of energy I require? 0.055 calories. Acha, for 1 gram to change the temperature by 50 Kelvin, that is 50 degrees Celsius. See, change in temperature in degree Celsius is equal to change in temperature in Kelvin, right? Yes. Yes, sir. तो कितना केल्विन में चेंज आया ये बताओ? 50? Minus 50. अरे वाव, minus 50. तो इसमें क्यू क्या आएगा? MSDT? M कितना है? 1 gram only? Yes. Yes. तो 0.55 into minus 50, all right, correct? Any doubt in that? No. तो बोला तो नहीं है 1 ग्राम. सर 0.05
0.055 है, ठीक है 0.055. Here I have 24. Sorry, 24. Here I have how much? 0.031 into प्लस 50 सर. प्लस 50 तो कितना आएगा बताओ? 22.8. डन. अरे बच्चा लो, ऑप्शन में आया तुमको कितना सिंपल क्वेश्चन. यस सर. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कॉमन सेंस लगाया, रिएक्शन को तोड़ के लिख दिया जिसमें से दो पार्ट में कैलकुलेट कर सकता हूँ और एक पार्ट दिया हुआ है. राइट. इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड. एंड सीरियसली स्पीकिंग आई एम सीइंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट टाइम. मैंने ये क्वेश्चन पहली बार देखा. गेटिंग इट? सो यू अंडरस्टूड द अप्रोच, हाउ आई थॉट अबाउट इट, हाउ टू एक्चुअली प्रोसीड? यस यस सर. ग्रेट. शैल वी मूव अहेड? यस यस सर. यस ग्रेट. क्वेश्चन नंबर टू. सर हमारा चैप्टर खत्म हो गया. हाँ तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया. Why? नहीं होना चाहिए था सर ऐसा. नहीं जस्ट क्यूरियोसिटी. ओके नाउ टेल मी क्वेश्चन नंबर टू. Yeah, I have carbon graphite plus oxygen gas gives CO2 gas. Delta H is given to me. Take care. Carbon graphite plus O2 gas, CO2 gas. What do you want? Based on the above thermochemical equation, find out which of the following is algebraic equation relationship is correct. बताओ भाई कौन सी relationship correct होगी? यहाँ पे कार्बन से सेकंड वाले में हाफ O2 दिया तो फिर एंडिंग में CO गैस बननी चाहिए ना. वेयर सेकंड वाली क्वेश्चन या CO गैस कंप्लीट रिएक्शन नहीं देखना. प्रिंटिंग एरर है, दिस इज अ प्रिंटिंग एरर. सो आई डू हैव दिस CO गैस करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज गुड. नाउ डू इट. सी द थिंग इज I told you earlier that suppose a reaction is, I told you this, suppose someone is asking me to calculate this energy change A to D, okay? He wants me to calculate this delta H, and suppose I have a reaction A gives to B, B gives to C, okay. And D gives to C, getting it? That equation is delta H1, this is delta H2, this is delta H3. From using these three relationship, I want to calculate this delta H, right? Now tell me in the reactant side what I want. A. So I'll keep this reaction as it is because in the reactant side I want A. So this reaction is there, where on the reactant side I'm already having A. So I kept the reaction like this only. As it is, I have kept this reaction. Now I don't want B. So I want that B should get chucked out. So in order to cancel B, I require B in this direction. So B to C, I'll keep it that way such that B and B will get cancelled. Again, I got C. I don't want C. And per se, I want D in the product side. A, I'm getting D in this reaction. Is the D in the reactant side or the product side? Reactant side. So what should I do here? Reverse. I'm reversing this reaction. So this delta H will become minus of delta H3, right? Delta H. Yes. So this is delta H2. And this is delta H1. Any doubt in that? Just cancel out this. If you add these three reactions, I'll get A to D directly. That means delta H will become equal to delta H1 plus delta H2 minus delta H3. Yes. Right? So delta H net will become equal to delta H1 plus delta H2 minus delta H3. That means I want to bring this reaction with the help of these three reactions. So just tell me, in these three reactions, which reaction seems to be 100% complete? Sir, first one.
first one, the carbon which is reacting with oxygen to give CO2, right? Completely. Now, how to get this equation with the help of these two equations? Sir, add कर देंगे second third. Sir, why is it complete? अरे because carbon is completely getting converted to CO2, right? Complete oxidation. Partial oxidation is to carbon monoxide, right? Yeah. It happen that way only. Correct. या गाइस आवाज आ रही है हां इट डिडंट गॉट हाउ इट इज कंप्लीट और इनकंप्लीट ओम द थिंग इज कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन पार्शियली इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट एंड देन कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन बिकम कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट नहीं करता दैट इज अ कंप्लीट कंबर्शन राइट So that reaction represents the complete combustion of a carbon, and this is a partial combustion of carbon monoxide, and this is combustion of carbon monoxide to carbon dioxide. If I'm adding these two, I'll get this reaction, right? By this logic, x will become equal to y plus z. Otherwise, hit and trial method, देखो और एक particular reaction produce करो बाकी दो product, बाकी दो reactions. Getting it? You'll get it. Anyways, कहीं से भी start करोगे, you'll get the same thing. Yeah. Okay, guys. Question number 3. And please now increase your speed. Okay, and you have to just finish it as soon as possible. Question number 3. सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अगर मतलब दोनों रिएक्टेंट साइड वाले होंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे ना थर्ड रिएक्शन में अरे एक्चुअली ऐसे करना है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन बन जाए बाकी सारे से ठीक है दैट इज द थिंग यू हैव टू डू जैसे आप भी दोनों में हाफ ऑक्सीजन था तो हमने एक कंप्लीट ऑक्सीजन मिला एग्जैक्टली मतलब वैसा भी नहीं है तुम्हें तुम कहीं से भी शुरू करते ना तुमको वही रिलेशन मिलता Getting it? तुम कहीं से भी शुरू करो, we'll get the same relation. ठीक है? Guys, question number 3. Carbon graphite plus O2 gives CO2 gas. Delta H is given to you. Water, it is given to you. They want, on the base of the above chemical equation, calculate the delta H of reaction at 298 Kelvin. Which reaction? Based on thermodynamical equation, value of delta H naught. They have given the reaction. It's carbon graphite plus 2H2 gas. This reaction, carbon graphite plus 2H2 gives gives CH4. Yeah, very simple, right? That means using these three equations, I have to produce this. You tell me, what should I do here? I want reactant C graphite. So this reaction should be? First one. Should be added that way only. Yes. This is normal. Yes. After that, how many hydrogen I want? Two. So in the reactant side, I have two hydrogens, right? Yes, sir. So I have to multiply this reaction with how much? With what number? Two. So according to you, what we got here, that you told me that sir, add carbon wala stuff like that only, I got CO2. And you said sir, niche wala reaction ko just multiplied with 2, then we'll get H2O, 2H2O liquid. And sir, in the product side, what I want?
CH4. So what should I do this reaction? This as it is. As it is. Person saying as it is, write down. It doesn't care, sir. As it is, write down, we'll get the correct answer. So if you are adding all these three, see what I did here. Here I added delta H1, here I added 2 delta H2, this is delta H3. So add these all the reaction. La 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 la. Whatever you got is. Sir, option C aayega. Huh? Option C aayega. CO2 got cancelled, right? Correct. Option C aayega na? Haan, sir. Correct. Am I getting the same reaction, guys? Yes. Yes, sir. Are you sure? सर एंडिंग में CH4 plus 2 O2 है थर्ड वाले में अच्छा तो फिर O2 O2 कैंसिल हो जाएगा मैंने 2 O2 नहीं लिखा ना आई विल गेट अब ठीक है नाउ आई विल गेट दिस दिस इनटू प्लस 2 इनटू दिस देन आई विल ऐड दिस सो व्हाट आई गॉट 400 plus कितना होता है ये 300 हजार कुछ हजार में से 890 गया तो कितना बचा माइनस ऑफ 70 आ जाएगा सी गेटिंग इट राइट राइट सर अगर वो 2 O2 नहीं लिखा होता तो क्या करता तब मैं अलग लॉजिक लगाता फिर मैं अच्छा क्वेश्चन करता अभी आएगा एडवांस में टेंशन मत लो ठीक है अब पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ठीक है देन वी विल मूव अहेड तो क्वेश्चन नंबर 4 2016 means, right? The heat of combustion of carbon and carbon monoxide are given to you. So carbon solid plus oxygen completely reacted together to form CO2 gas. Then carbon monoxide is given to me. Heat of combustion of carbon and carbon monoxide are given. The heat of formation of carbon monoxide they want. Carbon monoxide ka heat of combustion de rakha to again to CO2. Here the energy is minus 393.5. Here minus 283.5. These buffoons want the heat of formation of carbon monoxide. What is carbon monoxide heat of formation? What is heat of formation of carbon monoxide? Carbon solid plus half O2 gas. Sir, plus half O2 jab CO bana de to uska delta H. Correct. So ye reaction kaise aayegi baki do reactions? So ulta karke add karenge. Haan sir. Sir second wali ko ulta kar denge. Aur add kar denge. Oh, you got the answer. This minus this, correct? So 393.5 plus 283.5, kitna aayega? Minus of 110, correct? Bap, 0.5 kya rakha? Ye aayega C, correct? Yes, sir. Arey, awaaz aa rahi hai? Haan, sir. Chale aage. Yes, sir. मरी हुई हालत में क्यों बात करते हो शर्म नहीं आती तुम लोगों को मतलब ऐसे कौन बात करता अरे यार क्वेश्चन नंबर 9 बताओ ये एडवांस का क्वेश्चन है बता दो क्वेश्चन नंबर 9 बताओ जल्दी
100 करेक्ट, 100 ओनली। अरे देखो यार, 4 किलो कैलोरी तो नहीं होता है कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ, 10 किलो कैलोरी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो तुम्हारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का रहता है, 4000 किलो कैलोरी भी नहीं हो सकता है। तो इन कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी होता है दैट इज अंडर रेंज ऑफ 400 किलो जूल, सो 100 किलो कैलोरी के अप्रॉक्स रहता है। गेटिंग इट? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, बच्चों ने कहा कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, जल्दी क्वेश्चन नंबर 8। सर थोड़ा सा, हाँ किस कब जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी होती है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो किसकी होती है सर? Cl2। एलिमेंट्स की इन द स्टैंडर्ड स्टेट, राइट? यस। इसमें एलिमेंट तो ब्रोमीन और क्लोरीन है, वाटर इज कंपाउंड, CH4 इज कंपाउंड। तो ब्रोमीन का जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो कौन सा? लिक्विड। लिक्विड। क्लोरीन का? यस। आंसर आएगा बी, करेक्ट। यस। समझदार हो गए हो धीरे-धीरे, तो मजाक नहीं। सर आपको 9th वाले के रेंज वाले फिर से बता सकते हो? हाँ बेटा देखो, अगर 1 किलो कैलोरी ना किसी का एनर्जी होता नहीं है, ठीक है, 10 किलो कैलोरी जो लंडन फोर्सेस होते हैं ना, मेटालिक बॉन्ड्स, ये जो वीक फोर्सेस होते हैं उनका होता है, 1000 किलो कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए। तो कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो रेंज होता है ना दैट इज़ इन 100, 200, 300, 400, 500 किलो जूल पर मोल। गेटिंग इट? तो हाँ, अगर तुमको 1000 किलो जूल चाहिए ना, तो 1000 किलो जूल तुम्हारा, 4000 किलो जूल तुम्हारा तो वैसे किसी का नहीं होता। नाइट्रोजन भी अगर 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो इसका जो किलो जूल रहता है वो 950 किलो जूल रहता है। तो यार 3 बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है वो 950 किलो जूल है, तो यार 1 बॉन्ड का तो काफी कम होगा ना 950 से, है ना? समझा। इनटू 4 करोगे ना तो किलो जूल में आंसर आता, 4.182 होता है ना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4. 10 नहीं आना चाहिए, ठीक है? ओके गाइस टेल मी, केसीएल पर मोल दिया है ना, किलो कैलोरीज। हां अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 जल्दी। Using the data provided, calculate the multiple bond energy in kilojoule per mole of C triple bond C bond of C2H2. That energy is, take the bond energy of CH bond, देखा लिया हुआ है, and तुम्हें bond energy का data चाहिए। किसका data चाहिए? Bond energy का। यार एक बात सुनो ध्यान से, ओके नाउ लिसन, आई वांट टू कैलकुलेट सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड एनर्जी, ठीक है? अपने को ये कैलकुलेट करने का इन तीनों रिएक्शन से जो दे रखा है अपने को। यार एक बात बताओ, 2 कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स C2H4 का जो फॉर्मूला होता है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है? अब सी एच बॉन्ड एनर्जी दे रखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी दे रखा है, एंड कार्बन का भी हीट ऑफ एटमाइजेशन दे रखा है। हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है गाइस? गैसियस, गैसियस एटम में सिंगल एटम, 2 into हीट ऑफ एटमाइजेशन दे रखा है। अब एक बार बताओ डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी रिएक्शन का? समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अभी का बताओ कार्बन सॉलिड के केस के अंदर हीट ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है? हीट ऑफ एटम। मुझे बताओ हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन कितना दे रखा? दिख रहा 1410 किलो। 1410 प्लस हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी कितना दे रखा? 330। या दिख रहा है ये, अगर मैं 1 मोल बॉन्ड तोड़ूंगा
तब जाके हाइड्रोजन बनेगा, राइट। तो ये जो एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी हो गया ना, करेक्ट? यस सर। आप एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? कौन सा वाला पार्ट आई हैव टू रिपीट, टेल मी सर। सेकंड रिएक्शन से, सेकंड वाले से। सी द थिंग इज व्हाट आई टोल्ड यू हियर, ध्यान से, यहां से। हां सर। कार्बन सुनो, किसी भी रिएक्शन का एनर्जी चेंज क्या होता है? समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, राइट? यस सर। बट दैट टू बी इन गैसीय स्टेट, राइट? हां सर। आई हैव टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू गैसीय स्टेट, आई हैव टू यूज दिस रिएक्शन? यस सर। सो दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी आई हैव टू गिव टू इट टू कन्वर्ट इनटू गैसीय स्टेट, राइट? Yes, sir. तो एक मोल कार्बन को अगर गैसीय स्टेट में करते हैं, that is heat of atomization. यहाँ पे दो मोल है, तो ये पूरा दो मोल ऑफ हीट ऑफ एटमाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। हाँ, तो मेरे को पहले कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा हीट ऑफ एटमाइजेशन इंटू टू, दैट मीन 1410, करेक्ट? दिस वन, यस सर। प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, यार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बॉन्ड, एक मोल बॉन्ड तोड़ूंगा तब जाके दो हाइड्रोजन आइटम आएंगे ना, तो ये जो एनर्जी है वो क्या है सर? बॉन्ड डिसोसिएशन। हाँ, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 330 आ गया, करेक्ट? यस सर। अब प्रोडक्ट साइड में कितने बॉन्ड्स हैं? 2 CH बॉन्ड्स हैं, CH बॉन्ड एनर्जी दे रखा अपने को 350, तो 2 इंटू माइनस 2 इंटू 350, and minus C triple bond C wala bond energy is equal to delta H of this reaction. What is the delta H of this reaction? 225. Agreed? Yes, sir. So how much I got? You understood right? Yes, sir. Yeah, 700, 370 सर डी होगा, 360 1400 कितना आएगा? 815 उधर गया माइनस में, कितना है? अरे तो डायरेक्टली आंसर बोला, बदतमीज। 815 सी ट्रिपल बॉन्ड सी, राइट? डन, यस। हाँ बोलो। अरे अगर मैं कार्बन सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करूंगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो। अच्छा, तो गाइस कभी भी तुमको सॉलिड दे रखा है ना, तो बॉन्ड एनर्जी की जगह तुम क्या यूज करोगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इतना समझ में आया? हां यस सर। वेरी गुड, ओके ग्रेट सर। कुड यू एक्सप्लेन द फर्स्ट क्वेश्चन वंस मोर? अनदी कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन सर? फर्स्ट क्वेश्चन ये जो आप क्वेश्चंस करा रहे हो उसका पहला वाला क्वेश्चन? यस सर। क्या था? हाँ सर ये वाला मैं करवाता हूँ, ठीक है, करवाता हूँ वाला, एक मिनट रुको, बाकी पहले निपटा देते हैं, ठीक है, एटलीस्ट सिंगल कर खत्म कर लेते हैं, देन वी विल डू दैट, ठीक है? यस सर। गाइस सुन रहे हो? यस सर। यार एक बार बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इज गिवन टू यू, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इज गिवन टू यू, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वेपर एट 1 एटमॉस्फेयर। बताओ अगर एक सॉलिड एक मोल गैस में कन्वर्ट हुआ, दैट इज डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। एग्रीड? यस सर।
इट हैपन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, लिक्विड लिक्विड सॉरी एक मोल लिक्विड जब एक मोल सॉलिड वेपर में कन्वर्ट होता है देन इट इज डेल्टा इज अ वेपराइजेशन एंड इट टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट, राइट। मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा फेस ट्रांजिशन होता है तो हम इसको क्यू रिवर्सिबल लेते हैं, याद है, बिकॉज पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। यस, अगर इक्विलिब्रियम है देन डेल्टा जी कितना होगा, इफ आई हैव इक्विलिब्रियम देन डेल्टा जी शुड बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो सर, रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, याद है। हाँ सर, याद है सर। तो इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो शैल आई से डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू व्हाट, जीरो, वेरी गुड, देन डेल्टा एस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी, करेक्ट। यस, सो टी विल बिकम इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, व्हाट इज डेल्टा एच, 30 इंटू 10 रिज़ टू पावर 3 जूल्स पर मोल डिवाइड बाय 75 जूल्स पर मोल पर कैल्विन, तो कैल्विन ऊपर चला गया, 75 300 को 75 करोगे तो 4 से जाता है, राइट, तो 400 कैल्विन करीब आ जाएगा, गेटिंग इट, अंडरस्टूड हाउ टू डू इट, से यस और नो, हुआ, यस यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 डन, उसके बाद आई गेस this you can do, question number 12 you do fast sir, yes sir, 10 mein wo Gibbs energy zero but humne ye assume kiya na ki wo temperature constant hi hai aur vapor 1 atmosphere diya hai, whenever delta h of vaporization is given to you na, it means liquid is converting into boiling because acha boiling point ke constant boiling point pe hoga na wo, ha ha ha, fir wo pressure temperature dono constant ho gaya, exactly। 12वां क्वेश्चन करो सॉल्व। हाँ बेटा थोड़ा सा ना तेज बोलो, थोड़ा सा, क्या कह रहे हो, क्या सर रिवर्सिबल में डेल्टा जी जीरो होता है, हाँ डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जीरो होता है रिवर्सिबल के लिए, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम जीरो होता है, ठीक है, और फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा रिवर्सिबल कंडीशन ही होती है, तो चाहे सॉलिड से लिक्विड बने चाहे लिक्विड से गैस बने डेल्टा जी जीरो ही रहेगा। देवांश नहीं बेटा, आई एम नॉट टेकिंग प्रैक्टिस सेशन, आई एम जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड दैट इज पार्ट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 फास्ट, सी क्या दे रखा है मुझे ना, इसका डेल्टा एच निकालने का, क्या निकालने का, सर डेल्टा एच, अगर डेल्टा एच निकालना है तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एच, सर समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी जगह हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा, भगवान से डरो तुम लोग, ठीक है, देखो क्या दे रखा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की टर्म्स में क्या रहता, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, अरे भाई सर समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट। अच्छा इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है या कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाँ सर, अरे वाह, H2O का दे रखा, हाँ सर, वेरी गुड, CO2 का दे रखा, यस सर, वेरी गुड, हाइड्रोजन का दे रखा, जीरो होगा एलिमेंटल फॉर्म में, राइट, सो दिस प्लस दिस माइनस दिस विल बी डेल्टा एच, राइट, तो दिस प्लस दिस इज अप्रोक्सीमेटली 350, ठीक है, 350 में से कितना गया प्लस 41.2 आ जाएगा, राइट, करेक्ट, सिंपल था ये तो, राइट,
Okay, question number one. Thermochemistry. क्वेश्चन नंबर 5, 6 वो घड़ी देखी तो मुझे पता लगा कि हम थोड़ा टाइम से क्या चल रहे हैं. ओके लिसन, आयोडीन सॉलिड से आयोडीन वेपर बनाया हुआ है. अनादि कहाँ है? यस सर. 200 डिग्री सेल्सियस सॉलिड से 200 डिग्री सेल्सियस आयोडीन गैस बनाया तो मेरे को ना 24 कैलोरीज लगा. ठीक है, और वो बदतमीज मुझे पूछ रहा है तुम ना आयोडीन सॉलिड 250 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करो और आयोडीन वेपर्स 250 डिग्री सेल्सियस तक बनाओ. ठीक है. यस सर. और कहां से कहां तक दे रखा है? Originally 200 degree Celsius और अभी 250 degree Celsius. हाँ, तो मैंने क्या बोला, आयोडीन सॉलिड 250 degree Celsius से मैं पहले आयोडीन सॉलिड 200 degree Celsius बना लेता हूँ. ठीक है, फिर आयोडीन सॉलिड 200 degree Celsius से आयोडीन गैस 200 degree Celsius बना लेता हूँ और उसके बाद आयोडीन गैस 200 degree Celsius से आयोडीन गैस 250 degree Celsius बना लेता हूँ. कोई दिक्कत? No sir. अब ये ऑलरेडी दे रखा 24, करेक्ट? यस सर. और ये MHDT से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, करेक्ट? यस सर. हाँ, तो तीनों को ऐड करोगे तो याद आएगा ना. ठीक है. यस सर. हो गया. MHDT लगा देना यहाँ पे बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो रहा है, राइट? चलो ओके. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जहां पे एनर्जी देनी पड़े. अगर मीथेन को आग लगाओगे तो एनर्जी तुमको मिलेगी, तुम्हें देनी पड़ेगी सर. मिलेगी मिलेगी, जल जाओगे. डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ोगे तो क्या करोगे? एनर्जी देनी पड़ेगी. HOH को तोड़ोगे टू फॉर्म H2NO2, यू हैव टू गिव एनर्जी, राइट? डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन टू इथीन, इथिलीन, पता है क्या तुम क्या कर रहे हो? इथेन से इथाइलीन बना रहे हो तो देनी पड़ेगी. हाँ, तुमने क्या किया? इथीन बनाया. इथीन को इथाइलीन बोला जाता है. ठीक है, दो हाइड्रोजन निकाल दिए. सोचो तुमने दो सिग्मा बॉन्ड तोड़े और एक पाई बॉन्ड बनाया और एक सिग्मा बॉन्ड बनाया. ठीक है, तो दो सिग्मा बॉन्ड तोड़े यहाँ पे और एक सिग्मा एक पाई बनाया. पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है कि वीकर होता है? वीकर होता है. तो जो नए बॉन्ड है वो वीकर है और जो पुराने बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है. तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो रिलीज करेगा? सर देनी पड़ेगी. अब ग्रेफाइट से डायमंड बताओ. ग्रेफाइट से डायमंड है तुमको पता ही है. ग्रेफाइट जो है अगर वो डायमंड में कन्वर्ट होता है इट रिक्वायर्स हीट एज वेल एज प्रेशर. हाँ सर, एनर्जी देनी पड़ेगी. ये एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक होता है? एंडोथर्मिक. फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होता है, ग्रेफाइट या डायमंड? सर क्या स्टेबल फॉर्म ऑफ डायमंड कार्बन क्या होता है, डायमंड या ग्रेफाइट? सर ग्रेफाइट होता है. दोनों होते हैं सर. थर्मली ग्रेफाइट होता है और किनेटिकली डायमंड. डायमंड. वेरी गुड. समझ में आई बात? कह दो हाँ. हाँ सर. हाँ. यस सर. यस सर. वेरी गुड. डन. तो इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर डन हो गया ना? ये तो क्वेश्चन में आ गया ना एंडोथर्मिक. क्लियर ऑल. Move ahead. Okay. Thermal dissociation equilibrium of CaCO3 solid is studied under different conditions. ठीक है. For this equilibrium, the correct statement is R. ये बाद में. ये thermodynamics में equilibrium का पढ़ा. Equilibrium में करेंगे. ठीक है. 14 छोड़ दो.
क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा बॉम्ब कैलोरीमीटर का मिल गया। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 15 टेल मी। इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, मतलब जो भी रिएक्शन हो रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट पे हो रहा है कि क्या हो रहा है? इट हैपेंस दैट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो 3.5 ग्राम ऑफ अ गैस विद अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 28 वाज बर्नड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन। इसका मतलब है 3.5 ग्राम का ना पूरा बर्निंग हो रहा है, राइट। The temperature of the calorimeter was found to increase from 298 Kelvin to 298.45 Kelvin. The temperature bada due to the combustion process. Given that the heat capacity of the calorimeter is given to you, the numerical value of enthalpy of combustion in kilojoule per mole nikalna. Suno bhai, ek particular gas hai, usko achhi tarike se burn kar rahe ho to, theek hai? उसका मॉलिकुलर वेट 28 ग्राम्स है एंड तुमने 3.5 ग्राम्स लिया, तो मतलब 3.5 बाय 28 तो तुम्हारा आ जाएगा 1/6, करेक्ट ना? हाँ हाँ ना, 1/8 आएगा, राइट सर? 1/8 आएगा, 1/8। तो 1/8 मोल्स को अगर तुमने कंबर्शन किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो तुम्हारे पास कितना टेम्परेचर राइज हुआ? 0.45। अच्छा अब उसके बाद हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है? देखो मेरे को ना यूनिट से, मेरे को ना फील आते है यूनिट से, ठीक है? यूनिट्स पढ़ो, हीट कैपेसिटी मतलब क्या होगा इसका? सर 2.5 किलो जूल पर केल्विन। हाँ तो मतलब एक केल्विन के लिए कितना किलो जूल लगा? 2.5। कितना केल्विन बढ़ा है? 0.45। तो 2.5 किलो जूल इंटू 0.45, इतना एनर्जी लिबरेट हुआ जब 1/8 ऑफ मोल गया, राइट? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, इंटू 8। उसको ना 1/8 मोल नहीं चाहिए, वो कहता मुझे तो पर मोल चाहिए। देखो शर्म नहीं आती इसको, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ गैस इन किलो जूल पर मोल मांग रहा, तो क्या करूं? Into it. इसे कहते हैं कॉमन सेंस। ये आईआईटी का क्वेश्चन है सब्जेक्टिव 2009 का। अब मुझे बताओ आईआईटी एडवांस ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, क्या करूं? Understood? Yes, sir. इस क्वेश्चन में कुछ भी था क्या? मतलब कुछ भी था क्या? मतलब कुछ भी था? कुछ भी नहीं था सिर्फ यूनिट्स को देखा करो। देखो मैंने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया किसको देख के किया? सिर्फ हाँ जी, हाँ जस्ट प्लेइंग विद यूनिट्स। ओके गाइस चले आगे। यस यस सर। कूल। क्वेश्चन नंबर 16। सर एक मिनट, अभी फिर से रिपीट करोगे? थोड़ा बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस था। ओके अभी ठीक है बैकग्राउंड? सर वो नीचे कुछ काम कर रहे थे। ओके सुनो ना, एक मॉलिक्यूल है ए, वो कंबर्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म AO2, ठीक है? पूरा कंबर्शन हो रहा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 28 ग्राम्स। तो 3.5 ग्राम को अगर बर्न करते हैं ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज आता है 0.45 ग्राम्स, ठीक है? तो 3.5 ग्राम्स को जब बर्न किया दैट इज इक्वल टू 1/8 मोल, ठीक है? बिकॉज 3.5 बाय 28 मॉलिक्यूलर मास निकाला, तो 1/8 मोल्स ऑफ ए निकला। कोई दिक्कत इससे? तो कह रहा अगर मैं 1/8 मोल बर्न करूँ ना कम्प्लीटली, तो टेम्परेचर चेंज 0.45 होता है। और हीट कैपेसिटी देखो, वो कह रहा है हीट कैपेसिटी है 2.5 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब हो गया कि अगर एक केल्विन, किलो जूल पर केल्विन, सॉरी 2.5 किलो जूल पर केल्विन, मतलब अगर एक केल्विन राइज है टेम्परेचर का, तो 2.5 किलो जूल मिला होगा। कितना केल्विन राइज है बेटा? 0.45। तो कितना एनर्जी लिबरेट हुआ होगा? इतना जूल्स इनटू 0.4। हां बढ़िए, 1/8 ऑफ मोल है और उसको ना पर मोल का चाहिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हां तो इनटू 8 हो गया, ठीक है। ग्रेट, फाइन गाइस, सुन रहे हो? यस सर, यस सर।
सुन रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करो जल्दी। हाँ जी, लॉजिक मिल गया? यस। कहाँ से मिला, मतलब कौन सा लॉजिक मिला बताओ, क्या करूं? सर वही इक्वेशंस का, हमें डेल्टा एच को ऐड सबट्रैक्ट करना है रीअरेंज करके। अच्छा तो करना कैसे बताओगे, क्या करना है, सबट्रैक्ट क्या किया, ऐड क्या किया, ये तो बताओ। स्टार्टिंग वाला इक्वेशन एज इट इज रखा, फिर वो लास्ट में B2H6 वाला इक्वेशन उल्टा किया और ऐड किया फिर। ए भूमु, बीच वाला हाइड्रोजन मतलब तेल लेने गया? बेटा जब ऐड करोगे इसको उल्टा करके तो तीन हाइड्रोजन गैस आएगा ना प्रोडक्ट में, उसको भी तो हटाना पड़ेगा ना। हाँ सर, उसके लिए वो चाहिए गैस, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, राइट? यस सर। अब फिर करना कैसे बताओ, हाँ जी सर, B2H6 को वो वाले इक्वेशन को उल्टा कर देंगे लास्ट वाले। देखो इसको सर दो पार्ट में से कर सकते हैं, पहले हम लोग रखा इसको रिवर्स कर दिया, कोई डाउट नहीं सर? सेकंड वाले को इनटू थ्री कर देंगे। वेरी गुड, अगर इसको इनटू थ्री करोगे तो ये आ गया तुम्हारा सेकंड रिएक्शन इनटू थ्री आ गया, और थर्ड वाले को भी 3 और ऐड कर दो। ओके okay. थर्ड को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐड कर दोगे, तुम्हारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। एग्रीड? यस। पता है मैंने क्या सोचा था, पता है? पता है तुमको? सब्स्टिट्यूट कर दोगे? बाप सुन मेरी बात, ऐसा नहीं। ये रिएक्शन देखो, शैल आई से इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3? हां सर, मैं यही कहने वाला था, ऐसे कर रहा था। सुनो, ये जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड है, राइट? बट मुझे H2O लिक्विड चाहिए, गैस चाहिए? सर गैस चाहिए। तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो लिक्विड लिक्विड कट जाएगा, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस आ जाएगा। हाँ, तो अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो ऐड करने के बाद मेरे पास -288 + 44 क्या होता है? B2H6 का है। तो अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो शैल आई से समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यस सर। अरे लिख सकता हूं ना बाबा? यस सर। तो इट इज लाइक समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सो इट कम्स आउट टू बी 3 इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस water vapor plus enthalpy of formation of B2O3 solid minus enthalpy of formation of B2H6 gas minus 3 into enthalpy of formation of oxygen which is equal to 0, right? Correct? Yes sir.
तो जो तुमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करके निकाला ना और जो नॉर्मली निकला दोनों सेम होंगे, ठीक है? तो तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सा मेथड यूज करते हो, अंडरस्टूड? यस सर। हाँ डन, कह दो हाँ। हाँ सर। हाँ 17 कर लोगे एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, 18th कर लोगे, 18th कर लोगे। एटींथ करो, खुद से करो, खुद से। सर कौन सा? 18 तुम्हारी लैंग्वेज में 18। From the following data, calculate the enthalpy change of the combustion of cyclopropane. The enthalpy of formation of CO2H2O propane is given to you. Enthalpy of isomerization of cyclopropane to propene. Guys, सुनो। और मेरे लाल पीले और नीलो। यहाँ पे ना error है। यहाँ propene होना चाहिए था, ठीक है? अब करो। आइसोमराइजेशन का मतलब होता है एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बनना, तो साइक्लोप्रोपेन से प्रोपीन बनाया उसने, ठीक है? क्या तो हाँ हाँ सर। चलो सॉरी। यस सर। सर इनका फॉर्मूला बताओ ना, किनका फॉर्मूला बताऊं? सर इनके फॉर्मूले बताओ ना, साइक्लोप्रोपेन। अरे जरूरत नहीं है साइक्लोप्रोपेन और प्रोपीन के फॉर्मूले की, दोनों आइसोमर है, दोनों का फॉर्मूला C2H6 होता है। हाँ प्रोपीन है C3H6। तो बैलेंस करनी रहेगी। हाँ सॉरी, तो इसीलिए। अच्छा फॉर्मेशन दे रखा है क्या? हाँ करेक्ट, C3H6 है साइक्लोप्रोपेन और प्रोपीन का, दोनों आइसोमर हैं तो साइक्लोप्रोपेन और प्रोपीन का C3H6 ही रहेगा। तू भी बज ले। हो गया सर? एक मिनट, थोड़ा कैलकुलेशन नंबर बढ़ जाते, एक सेकंड। सर आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन। ओके आइसोमेरिजेशन तो साइक्लोप्रोपीन टू प्रोपीन। हाँ साइक्लोप्रोपेन से प्रोपीन बनने का जो एनर्जी चेंज है वो दे रखा है। मैं सॉल्व करूं सर, एक मिनट।
शुरू करूं? सर एक मिनट करो। आज ना एक काम करना, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री ना सॉल्व कर लेना पूरा इस बुक से, एटलीस्ट जे में जे एडवांस का जो हुआ ना फितूर दिमाग से हट जाएगा, एंड नेक्स्ट डाउट क्लास में पूछना इसके डाउट्स, है ना? ओके सर। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर? इक्विलिब्रियम। ओके आंसर भेजा आपको, एक बार चेक कर सकते? देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसका आंसर लिखा हुआ है कहीं से, तो नीचे करने में परेशानी, रुको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। सब बच्चा पार्टी ने पहले ये लिखा गया, हीट ऑफ कंबशन लिखा गया कि C6 कंबशन ऑफ साइक्लोप्रोपीन होगा ये, ठीक है? C6H6 C6 C3H6 प्लस, दिस इज साइक्लोप्रोपीन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 3CO2 बैलेंस हाइड्रोजन 3H2O, 7 ऑक्सीजन, तो ये 7/2 O2 गैस, दिस इज गैस, दिस इज गैस, दिस इज लिक्विड, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका दे रखा है, एंड कंबशन ऑफ साइक्लोप्रोपीन चाहिए ना, ठीक है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोपीन का दे रखा है, साइक्लोप्रोपीन का ही दे रखा है, ये साइक्लोप्रोपीन है। यार एक बात बताओगे छोटी सी गाइस? हाँ बताओगे? यस सर। मुझे डेल्टा एच ऑफ साइक्लोप्रोपीन चाहिए, है ना? तो एक काम करते हैं, पहले साइक्लोप्रोपीन बना लें, हाँ मैंने बना लें, बन गया सर? हाँ सर, वो 9/2 होगा ना ऑक्सीजन। रुक जा, कई को 6+, हाँ 6+6 9/2 होगा, राइट? एनीवेज छोड़ना, ये देख ऑक्सीजन का एनीवेज जीरो होने वाला है, राइट? डजंट मैटर। तो कहाँ थे हम लोग? कार्बन प्लस हाइड्रोजन गिव्स C3H6, राइट? आया ना? Yes, इसका ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन बदतमीजों ने दे रखा है, बदतमीज लोग सीरियसली, 20.42, करेक्ट? करेक्ट, प्रोपीन दे रखा है, करेक्ट? अगर मैं प्रोपीन से साइक्लोप्रोपीन बनाऊं तो क्या चेंज है, एनर्जी चेंज कितना है? +33 एग्रीड? यस। तो ये जो नेट एनर्जी चेंज है वो कितना होगा? +53.42 तो ये तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H6 साइक्लोप्रोपीन आ गया। हाँ सर। तो तुम्हें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपीन मिल गया, तो कितना आएगा? 3 × -393.5 + 3 × -285.5.8 - enthalpy of formation of cyclopropane, that is कितना? -53.42। any doubt in that? ये प्रोसेस समझ में आया?
हाँ सर यही करेक्ट any doubt in that till now no sir sir uske baad kya kya batao iske baad reaction ke baad sir ek doubt hai ha sir aap pehle cyclopropene ko pehle propene mein convert kar kar fir propene ka combustion karke nikal sakte hai na fayda kya sir usse bhi sir delta h of combustion aa jayega na nahi aayega na हाँ सर सेम ही आएगा गेटिंग यस सर चलो ग्रेट सर वो नेगेटिव कैसे आया -53.42 -53 नहीं है वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है तो है पॉजिटिव बट माइनस ऑफ रिएक्टेंट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना अच्छा यस सर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट गेटिंग इट यस सर डन डन यस सर ओके तो हम कहां थे okay question number 24 try solving it using the data all the values are kilocalorie per mole at 25 degrees celsius given below calculate the bond energy of cc and CH bond ठीक है अच्छा इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व नहीं कर सकते पूछो क्यों क्यों सर पूछ भी रहे हो सुनो एक्चुअली तुमको ना स्ट्रक्चर चाहिए होगा तब तब जाके सॉल्व कर सकते हो सुनो C2H6 का स्ट्रक्चर ही होता है सर ये तो टेंथ में भी था ना उतना स्ट्रक्चर तो आता है हाँ सर C3H8 का भी आता है C3H8 चलो ग्रेट अब कर लो सॉल्व कोई दिक्कत नहीं मेरे को आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट करो
हो गया सर, एक मिनट। ओके हो गया, दो मिनट अपने पूछूंगा, 5 मिनट मांग लोगे मजाक मजाक में। ओके गाइस, यू हैव दिस फाइल और शुड आई सेंड यू? सर एक बार भेज दीजिए नॉन एंटी ग्रुप पे, मेन ठीक है सर, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, अब ना एक काम करो, सो ना घर पे ट्राई करना ब्रेक टाइम में। ठीक है, एंजॉय योर डे। ठीक है, मस्ती करो तुम लोग। सर इसमें अप्रोच ये था ना कि दोनों C2H6 और C3H8 का वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखना। यस सर, बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स। हां, बॉन्ड एनर्जी टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, देन यू विल डू दैट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? थैंक यू सर। हाँ, आई विल सेंड द डाउट लेक्चर रिकॉर्डिंग। बाय बेटा, बाय, टेक केयर, खुश रहो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, बाय 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 ओम। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बाय, टेक केयर।